सो बच्चे लोग देखिए, आप लोगों के गोयनका कॉलेज में एडमिशन का देखिए नोटिस आ चुका है। वो नोटिस आप लोगों को हम पढ़ के सुना देते हैं, समझा देते हैं और सारा डिटेल्स बता देते हैं और ये भी बता देंगे कि किन किन बच्चों का एडमिशन होने का पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे कि आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा, देख लीजिए ऑनलाइन ऐप, ये 26 जुलाई का रिसेंट का ही नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एडमिशन ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर मॉर्निंग डे दोनों सेक्शन के लिए एकेडमिक सेशन 21-22 जो आप लोग का है। अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, पास 10+2 12 पास होना चाहिए, लास्ट 5 साल में पास होना चाहिए और ये सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। मतलब ठीक है, जो काम का चीज़ है वो बताते हैं। मिनिमम मार्क्स कैटेगरी देखिए, कितना परसेंट मार्क्स गोयनका कॉलेज मांग रहा है, तो बोला सिर्फ फॉर्म फिलअप करने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 75% इन एग्रीगेट, मतलब टोटल में 75% होना चाहिए, ठीक है ना, और आपका 60% इन रिलेटेड सब्जेक्ट। रिलेटेड सब्जेक्ट का मतलब होता है अकाउंटेंसी या ऊपर में जो भी सब्जेक्ट्स दिए उनका बात किया गया है। अगर ओबीसी हो आप, वेस्ट बंगाल का, सिर्फ वेस्ट बंगाल का ओबीसी, तो 67.5% इन एग्रीगेट एंड 55% इन रिलेटेड सब्जेक्ट। तो अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट था, यू विल गेन द एडवांटेज। अगर एससी एसटी का सर्टिफिकेट आपके पास है तो 56% एग्रीगेट में और 45 मार्क्स रिलेटेड सब्जेक्ट, मतलब मान लीजिए अकाउंटेंसी में। ये है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से। पर्सन विद डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि जो लोग हैंडीकैप है उनके लिए एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स टू बी कैलकुलेटेड बाय कसिंग बेस्ट मार्क्स ऑब्टेंड इन द फोर सब्जेक्ट। ये जो एग्रीगेट बोल रहे हैं ना, एग्रीगेट मतलब बेस्ट ऑफ फोर, मतलब आपका अगर आपका बेस्ट ऑफ फोर में, अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो बेस्ट ऑफ फोर में 75% चाहिए, ओबीसी हो तो बेस्ट ऑफ फोर में 67.5% चाहिए और एससी एसटी हो तो 56.25% चाहिए। ये फॉर्म फिलअप करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो जाएगा, बात को समझ गए ना। और आपका ये बोला है ईवीएस को छोड़ करके, बस वही रहना है, इफ एनी ऑफ द सब्जेक्ट इज स्टडीज एज एन इलेक्टिव इट मे बी टेकन इन टू अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग एग्रीगेट मार्क्स। तो एक्सक्लूडिंग ईवीएस, एक्सक्लूडिंग ईवीएस का बात किया जा रहा है, बात समझ रहे ना, ईवीएस को छोड़ करके बेस्ट ऑफ फोर में ईवीएस नहीं लेगा वो लोग। अच्छा, सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन पूरा का पूरा मेरिट के बेसिस पर ही आपका होगा। फॉर्म्स कब से मिलेंगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली ऑनलाइन मोड। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिलअप द एप्लीकेशन फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली, घर में बैठ के ऑनलाइन फिलअप फॉर्म लीजिए। इन नो केस फिलअप फॉर्म विल बी रिसीव बाय ऑफिस ऑफ द कॉलेज। कॉलेज जाने का कोई जरूरत नहीं है, वेबसाइट दिया हुआ है, वेबसाइट पे आप जाएंगे। अच्छा, फॉर्म का चार्जेस कितना है, नो चार्जेस आर टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट्स एट द टाइम ऑफ